हाँ भाई, 10th में क्या चल रहा था? एक्सक्रीशन की बात चल रही थी, तो आज हमें बताना है फंक्शन ऑफ किडनी क्या काम करता है। तो तुम्हें मैंने बताया है, पहला काम तो यही होता है, किडनी यूरिन का प्रोडक्शन करती है और बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं, और ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट जो नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। दूसरी बात, देखा जाए किडनी ब्लड के पीएच को भी मेंटेन बनाए रखती है, बॉडी के अंदर वाटर के अमाउंट को मेंटेन बनाए रखती है, मतलब ऑस्मोरेगुलेशन पर कंट्रोल करती है। तो नोट कर लेना थोड़ा फंक्शन ऑफ किडनी। पहला फंक्शन नोट कर लेना, रिमूविंग एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी, ब्रैकेट में ऑस्मोरेगुलेशन, ब्रैकेट बंद, एंड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। दूसरा पॉइंट नोट कर लेना, मेंटेनिंग द कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। तीसरा पॉइंट, रेगुलेशन या रेगुलेटिंग द पीएच ऑफ ब्लड। नंबर अगला, होम्योस्टेसिस। तो किडनी मैंने क्या बताया, काम क्या करती है? पहली बात तो बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर, टिश्यू के अंदर वाटर के अमाउंट को बैलेंस बनाए रखती हैं। तो सेल्स के अंदर, बॉडी के अंदर, टिश्यू के अंदर वाटर के अमाउंट को बैलेंस बनाए रखना ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन के द्वारा बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। ब्लड के पीएच को मेंटेन बनाए रखना किडनी का काम होता है। होम्योस्टेसिस पर कंट्रोल करना, होम्योस्टेसिस क्या होता है सुनिए, बॉडी के इंटरनल एटमॉस्फेयर को एक जैसा बनाए रखना क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। मैंने क्या बताया, बॉडी के अंदर के एटमॉस्फेयर को एक जैसा बनाए रखना क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। होम्योस्टेसिस टर्म किसने यूज़ किया था? वाल्टर कैनन ने यूज़ किया था। किसने यूज़ किया था? वाल्टर कैनन ने यूज़ किया था। ये सब काम किसके होते हैं? किडनी के होते हैं, जो ज़रूर तुम्हें याद रखना है। तो वाटर के अमाउंट को बैलेंस करना क्या कहलाता है? ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। दूसरी बात मैंने बताया, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की बात करो, ये फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन की बात करते हैं। पिछली क्लास में मैंने तुम्हें बताया है किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। और नेफ्रॉन का ही दूसरा नाम क्या होता है? नेफ्रॉन का दूसरा नाम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। तो यूरिन कहाँ पर बनता है? नेफ्रॉन के अंदर बनता है। और यूरिन के फॉर्मेशन में तीन प्रोसेस होती हैं, एक होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा होता है ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। ये तीन प्रोसेस होती हैं। कौन कौन सी प्रोसेस? पहली होती है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरी होती है रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरी होती है ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। अब प्रश्न आता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है? जब ग्लोमेरुलस से ब्लड छन करके बोमेन कैप्सूल में आता है तब उसे क्या कहते हैं? अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। वेल, मैंने क्या बताया, जब ग्लोमेरुलस से ब्लड छन करके बोमेन कैप्सूल में आता है तब उसे क्या कहते हैं? अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। और जो ब्लड छन करके आता है उसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं या नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहते हैं। दूसरा कौन सा होता है? रीएब्जॉर्प्शन होता है। अगर कोई इसेंशियल चीज़ें छन करके आ गई हैं, जैसे ग्लूकोज है, हार्मोन है, विटामिन है,
या एसेंशियल मिनरल्स हैं, अगर ये चीज़ें छन करके आ गई हैं तो इनको वापस ब्लड में छोड़ना, मतलब नेफ्रिक फिल्ट्रेट से एसेंशियल चीज़ों को ग्रहण करके वापस ब्लड में छोड़ना क्या कहलाता है, रीएब्जॉर्प्शन कहलाता है। और सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में होता है। कहाँ पर होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में होता है। और ट्यूब्यूलर सेक्रीशन क्या होता है, अगर कोई चीज़ ऐसी है जो हानिकारक है और नहीं छन पाई है, ब्लड में ही रह गई है, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से बाहर निकाल करके नेफ्रिक फिल्ट्रेट में डाल देना क्या कहलाता है, ट्यूब्यूलर सेक्रीशन कहलाता है। और जब नेफ्रिक फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ जाता है तब उसे क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं। और ये कलेक्टिंग डक्ट आपस में मिलकर, कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पर ओपन होती हैं, मैंने बताया है कि जो पिरामिड होती है, पिरामिड के जो थिन पोर्शन पैपली होते हैं वहाँ पर खुलती हैं, और वो मिलकर के क्या बनाती है, पेल्विस। और पेल्विस आगे मिलकर आगे बढ़ कर के यूरेटर बनाता है जो यूरिनरी ब्लेडर में खुलता है। तो इस प्रकार से यूरिन किडनी के अंदर बना और स्टोर कहाँ पर होता है, गाल ब्लेडर में स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लेडर में स्टोर होता है। और यूरिनरी ब्लेडर का निचला थिन पोर्शन क्या कहलाता है, यूरेथ्रा कहलाता है। और यूरेथ्रा मेल में इलांगेट होता है, फीमेल में छोटा होता है, और इसके द्वारा यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से यूरिन का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, किडनी के अंदर होता है। अगली बात देखा जाए, हेडिंग दीजिए किडनी डिसऑर्डर्स, किडनी डिसऑर्डर्स। अब किडनी डिसऑर्डर्स क्या होती हैं, एक तो किडनी स्टोन हो जाता है। किडनी स्टोन में क्या होता है, जैसे अपन पानी कम पीते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल जो होते हैं वो एक के ऊपर एक डिपॉजिट होते रहते हैं, या तो गॉल ब्लैडर में डिपॉजिट होंगे या यूरिनरी ब्लैडर में डिपॉजिट हो जाएंगे या किडनी के अंदर। जब कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल एक के ऊपर एक डिपॉजिट होते रहेंगे तो एक हार्ड स्टोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जैसे किडनी स्टोन कहते हैं। और तब ऑपरेट करके इसको निकालना ज़रूरी होता है। तो नोट कर लेना ज़रा, किडनी स्टोन, किडनी डिसऑर्डर्स में पहला किडनी स्टोन, या इसी को कहते हैं रिनल कैलकुलाई, इसमें नोट कर लेना, आर कास्ट ड्यू टू डिहाइड्रेशन, एक्सेस यूरिक एसिड फॉर्मेशन, इन्फेक्शन एट्सेट्रा, ऑक्सीलेट क्रिस्टल डेवलप इन द किडनी रिजल्टिंग इन स्ट्रांग कोलिक पेन, स्ट्रांग कोलिक पेन, कमा फ्रीक्वेंट एंड पेनफुल यूरिनेशन, दूसरी डिजीज नोट करिए ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है, जब यूरिन के साथ ग्लूकोज बाहर निकलने लगता है तब उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। और ये कब होता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस में होता है, तो नोट कर लेना, इसमें नोट करिए प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन ड्यू टू डायबिटीज़ मेलाइटिस नंबर। अगली हेडिंग दीजिए डायूरेसिस, इसमें नोट करिए इंक्रीज एक्सक्रीटरी वॉल्यूम ऑफ यूरिन, इंक्रीज एक्सक्रीटरी वॉल्यूम ऑफ यूरिन, वॉल्यूम ऑफ यूरिन। नंबर अगली हेडिंग दीजिए हेमोडायलिसिस,
हीमोडायलिसिस। अब देखा जाए हीमोडायलिसिस क्या होता है। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, अगर दोनों किडनी फेल हो जाती हैं, अगर दोनों किडनी फेल हो जाती हैं, और किडनी का काम क्या होता है, एक्सक्रीशन का होता है, हानिकारक मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने का होता है, अगर दोनों किडनी फेल हो जाती हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट कैसे बाहर निकल पाएंगे, वो ब्लड में ही मिलते जाएंगे। अगर इनको ब्लड से बाहर नहीं निकाला गया तो एनिमल की डेथ हो जाएगी, ह्यूमन की डेथ हो जाएगी। तो हीमोडायलिसिस कराई जाती है। इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ किया जाता है। कैसे, जो हमारे ब्लड का कंपोजिशन होता है उसी कंपोजिशन का एक सोलूशन बनाते हैं, जो हमारे ब्लड प्लाज्मा का कंपोजिशन होता है उसी कंपोजिशन का हम एक सोलूशन बनाते हैं, लेकिन जो सोलूशन बनाते हैं उसमें प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होती है, प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होती है, बाकी सब होता है, सेम कंपोजिशन होता है प्लाज्मा जैसा। अब एक प्लास्टिक होती है सेलोफेन, सेलोफेन प्लास्टिक की बहुत पतली पतली ट्यूब बनाते हैं, हजारों किलोमीटर लंबी ट्यूब बनाते हैं, उतने डायमीटर होगा जितना हमारी ब्लड कैपिलरीज का होता है। अब क्या काम करते हैं, यहाँ से आर्टरी को क्या करते हैं, कट करते हैं, आर्टरी से सेलोफेन ट्यूब का एक सिरा कनेक्ट कर देते हैं, और एक सिरा किससे कनेक्ट कर देते हैं, वेन से कनेक्ट कर देते हैं, और बाकी कैपिलरीज को जो हमने सोलूशन बनाया है उसमें डाल देते हैं। अब यहाँ से ब्लड आर्टरी से होकर के सेलोफेन ट्यूब से जाता है, तो सेलोफेन ट्यूब में जो ब्लड जा रहा है उसमें वेस्ट प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है, और जो बाहर सोलूशन है उसमें न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। अब यहाँ पर सेलोफेन ट्यूब की वाल और सोलूशन के बीच में डिफ्यूजन होता है, मतलब ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट सोलूशन में आ जाएंगे और सोलूशन से एसेंशियल चीज़ें ब्लड में आ जाएंगी, और वो अब वेस्ट सबस्टेंस कंटेनिंग ब्लड जो था वो अब प्यूरिफाई होता चला गया और वेन के द्वारा फिर से बॉडी में इंटर हुआ। ये 3-4 घंटे प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, और हमारी बॉडी के अंदर जितना ब्लड है उसमें जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर निकल गए और इसेंशियल चीज़ें ब्लड में आ जाती हैं, तब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं। और जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ये प्रोसेस कराई जाती है उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। तो थोड़ा नोट कर लेना, हम लिखा रहे हैं, हेडिंग दीजिए आर्टिफिशियल किडनी, ब्रैकेट में हीमोडायलिसिस। इसमें नोट कर लेना, आवर किडनी एक्ट एज द वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल, सेवरल फैक्टर्स सच एज इन्फेक्शन कमा इंजरी इंजरी आर ओ आर रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूस द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ किडनी leading to accumulation of poisonous waste in the body that can even lead to death. Such situation of kidney failure can be managed by artificial kidney. That is a device used to remove nitrogenous waste product
from the blood through dialysis is called homeodialysis. तो इस प्रकार से हीमोडायलिसिस होता है, तो भगवान करे किसी की किडनी खराब न हो और किडनी प्रॉपर वर्क करते रहें। इसलिए ज़रूरी है भले ही 15 मिनट के लिए आप योगा करें, पर डे आप योगा करें, जैसे बॉडी के आर्गन जो हैं प्रॉपर फंक्शन करते रहें और आप बीमार न पड़ें। इसलिए भले ही 15 मिनट व्यायाम करें, व्यायाम ज़रूरी होता है, समझे। स्वस्थ रहने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और खुद पढ़िए और अपने दोस्तों को भी बताइए। बेस्ट ऑफ लक।